हेलो, आई एम डॉक्टर श्वेता और ये हमारा 4.2 लेक्चर है, टाइप ऑफ लॉसेस इन ऑप्टिकल फाइबर। और ये लास्ट थ्योरी का लेक्चर होगा, इसके बाद हम थ्योरी नहीं डिस्कस करेंगे, ऑप्टिकल फाइबर की कंप्लीट हो जाएगी। न्यूमेरिकल्स रह गए हैं, हाँ एक न्यूमेरिकल का लेक्चर का और वीडियो आएगा। और स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। टुडेज लेक्चर इज ऑन टाइप ऑफ लॉसेस इन ऑप्टिकल फाइबर, एटोनेशन, डिस्पर्जन। तो हम एक एक करके तीनों को डिस्कस करेंगे कि लॉसेस कितने टाइप के होते हैं और एटेनुएशन क्या होता है और डिस्पर्जन क्या होता है। उससे पहले ऐसे समझिए कि जैसे मैंने कुछ बोला और कोई मेरे से 1 मीटर डिस्टेंस पे है तो उसको मेरी अलग तरीके की आवाज़ आ रही है, कोई बहुत दूर हो गया तो जिस वॉइस से, जिस पिच से, जिस इंटेंसिटी से मैं बोल रही हूँ इस इंटेंसिटी से वहां पे वो रिसीव नहीं होगा। तो क्या होता है, इंटेंसिटी कम होती चलती चली जाती है, जैसे मीडियम में वेव ट्रैवल करती है। तो ऐसा ही लाइट के साथ होता है, जब लाइट मूव करेगी मीडियम में तो उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी और इंटेंसिटी कम होती जाएगी, तो उसको हम एटोनेशन बोलते हैं कि इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है या एम्पलीट्यूड कम हो रहा है। तो उस तरीके के लॉसेस को हम एटोनेशन बोलते हैं जब इंटेंसिटी कम होती है। डिस्पर्जन क्या होता है, जैसे हमने इनपुट पे सिग्नल इंसिडेंट किया तो वो वैसा आउटपुट पे हमें रिसीव नहीं हो रहा है। वह क्या, हमने इनपुट पे एक साथ लाइट इंसिडेंट की, आउटपुट पे वो अलग अलग टाइम पे रिसीव हुई। अभी हम पीछे जब ये पैरामीटर थे वहां पे देख भी रहे थे कि जैसे जैसे एंगल चेंज करते हैं, मोड चेंज होते हैं या ट्रैवलिंग पाथ चेंज होता है तो आउटपुट में अलग अलग टाइम पे वो लाइट रिसीव होती है। तो जब रिसीव होगी तो इनपुट पे हमने सेम टाइम पे इंसिडेंट भी किया तो आउटपुट पे वो अलग टाइम पे रिसीव हो रहा है। तो सिग्नल जैसा इनपुट पे हमने इंसिडेंट किया वैसा तो आउटपुट पे मिलेगा नहीं, इसको हम डिस्पर्जन बोलते हैं। तो अभी इन तीनों को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे टाइप ऑफ लॉसेस या इन ऑप्टिकल फाइबर। तो टाइप ऑफ लॉसेस में ये 2 टाइप्स का होता है, एटोनेशन और डिस्पर्जन। एटोनेशन मैंने आपको बता ही दिया कि इंटेंसिटी कम हो रही है सिग्नल की तो उसको एटोनेशन बोलते हैं। डिस्पर्जन, ब्रॉडनिंग हो रही है सिग्नल की, सिग्नल इनपुट पे जैसा हमने इंसिडेंट किया वैसा हमें आउटपुट पे रिसीव नहीं हुआ, ब्रॉड होके मिल गया, उसको हम डिस्पर्जन बोलते हैं। तो दोनों ही 3 3 टाइप्स के होते हैं, एटोनेशन भी 3 टाइप का होता है और डिस्पर्जन भी 3 टाइप का होता है। एटोनेशन स्कैटरिंग, एब्जॉर्प्शन और बैंडिंग लॉस, स्कैटरिंग रे लाइट स्कैटरिंग, और बैंडिंग लॉस भी फिर आगे फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाता है, माइक्रो बैंडिंग एंड मैक्रो बैंडिंग। ऐसे ही डिस्पर्जन 3 टाइप्स का होता है, इंटरमॉडल डिस्पर्जन, इंट्रा मॉडल डिस्पर्जन एंड वेव गाइड डिस्पर्जन। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को एक एक करके, तीन एटोनेशन के और तीन ही डिस्पर्जन के, इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले एटोनेशन की या डिस्पर्जन की बेसिक बेसिक डेफिनेशंस देख लेते हैं। तो एटोनेशन क्या है, फाइबर ऑप्टिक्स प्रॉपर्टी दैट इफेक्ट्स द परफॉर्मेंस आर एटोनेशन एंड डिस्पर्जन। और इसमें भी सबसे पहले क्या करिए, एटोनेशन और डिस्पर्जन को फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करिए। तो देखिए यहाँ पे ये फिगर है, तो क्या हुआ, हमने इनपुट पे 1 0, ये 1 ही मान लीजिए, 1 0 1 सिग्नल इनपुट पे इंसिडेंट किया और क्या हुआ, इनकी स्ट्रेंथ इतनी थी बट आउटपुट पे इस स्ट्रेंथ का सिग्नल नहीं मिला। जितनी भी लेंथ थी ऑप्टिकल फाइबर की उसको ट्रैवल करने के बाद आउटपुट पे जो हमें सिग्नल मिला उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई थी। तो उसने क्या हुआ, इनपुट और आउटपुट का जो सिग्नल का स्ट्रेंथ है वो चेंज हो गया, इसको एटोनेशन बोलते हैं। डिस्पर्जन में क्या हो रहा है, हमने इनपुट पे सिग्नल तो इंसिडेंट किया 1 0 1, मतलब 1 वेव 0 1, और जब आउटपुट पे मिला तो 1 1 1 ही रिसीव हो गया क्योंकि जो सिग्नल है ये ब्रॉड हो गए और एक दूसरे पे ओवरलैप कर गए, जिसकी वजह से जो हमें रीड करना चाहिए था, यानी कि रिसीवर को जो एड इसको रीड करना चाहिए था सिग्नल को, वो उसको वो रीड नहीं कर रहा है, कुछ और रीड कर रहा है, इसको डिस्पर्जन बोलते हैं। चलिए सबसे पहले एटोनेशन पढ़ते हैं। एटोनेशन क्या होता है, बताया था मैंने आपको कि जैसे जैसे सिग्नल ऑप्टिकल फाइबर में ट्रैवल करेगा वैसे वैसे उसकी जो एनर्जी है या इंटेंसिटी है या पावर है वो कम होती जाएगी और आउटपुट पे हमें उतनी स्ट्रेंथ का सिग्नल नहीं मिलेगा जैसा हमने इनपुट पे इंसिडेंट किया, तो उसको एटोनेशन बोलते हैं। तो एटोनेशन इज अ लॉस ऑफ पावर सफर्ड बाय ऑप्टिकल सिग्नल एज इट प्रोपोगेट थ्रू द फाइबर, इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज फाइबर लॉस। और हम इसकी डेफिनेशन क्या बता सकते हैं, द एटोनेशन इज डिफाइंड एज रिडक्शन इन एम्पलीट्यूड एंड द इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल एज इट गाइडेड थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर। इट मीन्स द लॉस ऑफ एनर्जी एज द लाइट पल्स ट्रेवल फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड ऑफ द फाइबर। द फाइबर लॉस पी एल इज डेसिबल इज गिवन बाय पी एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एल इक्वल टू -10 log base 10 पी आउट अपॉन पी इन। तो इस पे हमारे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं कई बार,
पी इन क्या है, इनपुट पावर है, पी आउट क्या है, आउटपुट पावर है, एल है लेंथ ऑफ द फाइबर केबल इन किलोमीटर, तो इसकी यूनिट जो है लैम्प जो है किलोमीटर में रखते हैं। तो यहाँ से अगर एटोनेशन कांस्टेंट अल्फा यानी कि फाइबर पर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, एटोनेशन कांस्टेंट पावर लॉस पर यूनिट लेंथ, तो अल्फा हो जाएगा माइनस 10 बाई एल लॉग बेस 10 पी आउट अपॉन पेन, और एल जो है याद से किलोमीटर में रखिएगा। तो इसकी जो एटोनेशन कांस्टेंट की यूनिट होती है वो डेसिबल पर किलोमीटर होती है। टाइप ऑफ एटोनेशन, तो टाइप ऑफ एटोनेशन इज मेनली ड्यू टू एब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग और रेडिएशन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन लॉस ऑप्टिकल सिग्नल में भी एब्जॉर्ब बाय अ प्योर फाइबर मटेरियल विच इज नोन एज इन इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन, और इट कैन बी एब्जॉर्ब बाय इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन अ कोर ऑफ द फाइबर। तो कोर या प्योर मटेरियल की वजह से जो एनर्जी लॉस हो रही है, तो एब्जॉर्प्शन इज मोस्ट प्रोमिनेंट फैक्टर कॉजिंग द एटोनेशन लॉसेस। ऑप्टिकल सिग्नल में भी एब्जॉर्ब बाय प्योर फाइबर मटेरियल विच इज नोन एज इंट्रेंसिक एब्जॉर्प्शन, और इट कैन बी एब्जॉर्ब बाय इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द कोर ऑफ द फाइबर सच एज वाटर और मेटल। सेकेंड होगा स्कैटरिंग। स्कैटरिंग क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर कैन गेट स्कैटर्ड बाय इम्प्योरिटी और सम रीजन विद सडन चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रे लाइट स्कैटरिंग वेरीज एज 1/λ^4 लीड द सिग्निफिकेंट पावर लॉस एट अ स्मॉलर वेवलेंथ। तो माइक्रोस्कोपिक वेरिएशन, जैसे जब हम इसको बना रहे होते हैं ऑप्टिकल फाइबर को, तो कुछ वेरिएशन हो जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, मटेरियल की डेंसिटी में, या कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं, उन डिफेक्ट्स की वजह से जो है स्कैटरिंग स्कैटर्ड हो जाती है लाइट। हमने लाइट इंसिडेंट किया ये मान के कि यहाँ पे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, बट वहाँ पे वो थोड़ा ज़्यादा डेंस हो गया या कुछ इम्प्योरिटी आ गई, तो उसकी वजह से वो डिफरेंट एंगल में स्कैटर्ड हो जाएगा। तो फिर हो सकता है कि वो क्रिटिकल एंगल से इंसिडेंट ना हो और क्लैडिंग से आउटपुट में बाहर निकल जाए, या उसकी कुछ स्ट्रेंथ कम हो जाए, उस ज़्यादा एब्जॉर्ब कर ले उसको। तो दिस अराइजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक वेरिएशन इन ऑप्टिकल मटेरियल डेंसिटी एंड द स्ट्रक्चर डिफेक्ट ऑकरिंग ड्यूरिंग फाइबर मैन्युफैक्चर। ऑप्टिकल सिग्नल कैन स्कैटर्ड बाय द इम्प्योरिटी और स्मॉल रीजन विद सडन चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रे लाइट स्कैटरिंग वेरीज एट 1/λ^4 एंड लीड टू सिग्निफिकेंट पावर लॉस एट द सेम या स्मॉलर वेवलेंथ। तो अगर स्मॉलर वेवलेंथ है तो और ज़्यादा लॉस होता है। चलिए थर्ड टाइप ऑफ लॉस और पढ़ लेते हैं। तो एटोनेशन ये लास्ट टाइप का एटोनेशन है, रेडिएशन लॉस और बैंडिंग लॉस। द लॉस विच एग्जिस्ट व्हेन द ऑप्टिकल फाइबर अंडरगोज बैंडिंग, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, मैक्रो बैंड्स एंड माइक्रो बैंडिंग। ठीक है, और इस फिगर में आपको दिखा भी रखा है, ये माइक्रो बैंडिंग है और ये वाला जो बैंड है ये मैक्रो बैंड है। इसको अभी डिटेल में पढ़ेंगे। माइक्रो बैंड्स जो है ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग के टाइम क्रिएट हो जाते हैं, और मैक्रो बैंड्स जब हम इसको फिट करते हैं ऑप्टिकल फाइबर को, ये तब क्रिएट्स होते हैं। तो लाइट क्या है यहाँ से स्केप कर जाती है कोर क्लैडिंग इंटरफेस से। तो इसको थोड़ा और डिटेल में फिगर्स देख लेते हैं इसकी। तो नेक्स्ट स्लाइड कर रही हूँ मैं। तो सबसे पहले मैक्रो बैंडिंग पढ़ लेते हैं। मैक्रो बैंडिंग क्या है, बैंड्स हैविंग रेडियाई ग्रेटर कंपेयर टू फाइबर डायमीटर आर कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक बैंड। इन सच कर्व फाइबर द इंसिडेंट लाइट फॉल बिलो द क्रिटिकल एंगल, नो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस, लाइट लॉस फ्रॉम द कोर ड्यू टू टाइट बैंड्स इन कंप्लीट फाइबर, पुअर रीलिंग और मिसहैंडलिंग ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। तो क्या होता है, जब हम ऑप्टिकल फाइबर को फिट कर रहे होते हैं तो उसको कितना कर्व रखना है ये डिसाइड करता है कि लॉस होगा कि नहीं होगा। अगर ये जो कर्व्ड सरफेस है इसकी जो रेडियस है वो कोर की डायमीटर से ज़्यादा हो गई, तो उस केस में यहाँ पे इस तरीके का बैंड क्रिएट हो जाएगा कि जब लाइट इस पे इंसिडेंट होगी, जैसा कि यहाँ पे मैं इस फिगर में दिखा रही हूँ, अगर इस तरीके की कर्व सरफेस पे फिर लाइट इंसिडेंट होगी तो वो यहाँ से एस्केप कर जाएगी और एनर्जी का लॉस हो जाएगा, या लाइट सिग्नल का लॉस हो जाएगा, उतनी स्ट्रेंथ का हमें सिग्नल नहीं मिलेगा। आगे भी ट्रैवल करेगा बट कुछ एनर्जी यहाँ से बाहर पास आउट हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी। तो इस तरीके के लॉस को हम मैक्रो बैंड्स कहते हैं, और इसको रिमूव किया जा सकता है फिटिंग के टाइम। जब ऑप्टिकल फाइबर फिट कर रहे होते हैं तो ये ध्यान रखा जाता है कि ये जो कर्व्ड सरफेस है यानी कि जो बैंड है ये किस तरीके से रखा जाए कि इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कोर के डायमीटर से कम रहे। इसको मैक्रोस्कोप बैंड्स भी बोलते हैं, जो कर्व सरफेस है। टाइप ऑफ एटोनेशन का ये लास्ट है हमारा, माइक्रो बैंडिंग।
और माइक्रो बैंडिंग में भी हम क्या जानते हैं कि जब ऑप्टिकल फाइबर मैन्युफैक्चर हो रहा होता है तो कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे रफनेस आ जाती है, उसकी वजह से माइक्रो बैंड्स क्रिएट हो जाते हैं। तो माइक्रो बैंडिंग अकर ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्मिटी इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फाइबर वेयर द लाइट रे मे लीक थ्रू द फाइबर। माइक्रोस्कोपिक बैंडिंग लॉस कुड बी मिनिमाइज बाय, क्या करते हैं इसके ऊपर जैकेट हम कवर कर देते हैं और इस तरीके की जैकेट रखते हैं कि जो एनर्जी है या लाइट सिग्नल है वो वहां से बाहर निकले नहीं ऑप्टिकल फाइबर से, तो उसके थ्रू हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं माइक्रो बैंडिंग। क्योंकि एक बार मैन्युफैक्चर हो गया ऑप्टिकल फाइबर, जो रफनेस हो गई कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे वो तो फिर रहेगी। तो यहाँ पे मैंने एक सिग्नल या कह लीजिए ऑप्टिकल फाइबर क्रिएट कर रखा है, इसमें आप देख भी सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या किया है, कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे रफनेस दिखा रखी है। तो इस रफनेस की वजह से अगर यहाँ पे अब लाइट इंसिडेंट होती है तो जरूरी नहीं है वो क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट हो या उससे ग्रेटर एंगल पे इंसिडेंट हो, तो उसकी वजह से लाइट जो है यहाँ से बाहर इमर्ज आउट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम माइक्रो बैंड्स बोलते हैं और यहाँ से लाइट लीक हो जाती है जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, कुछ पार्ट यहाँ से लीक हो जाता है। तो माइक्रोस्कोपिक डिफॉर्मेशन इन कोर क्लैडिंग इंटरफेस कॉज बाय पुअर केबलिंग डिजाइन। तो इसको हम वैसे रिमूव नहीं कर सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं इसके ऊपर जैकेट इस तरीके की रखें कि ये मिनिमाइज हो जाए। इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, मुझे लगा था कि हम यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर कंप्लीट कर लेंगे बट ऑलरेडी जो है हमारी जो वीडियो है ये ऑलरेडी 10 मिनट से ऊपर एक्सटीड कर गई है, बल्कि 11 मिनट्स 30 सेकेंड्स की हो गई है। तो इससे ज़्यादा मैं वीडियो बनाना नहीं चाहती हूँ, लेंदी फिर बोरिंग होने लगता है लेक्चर। तो अभी क्या करते हैं इसको एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर अब हम जो 4.3 हो जाएगा डिस्पर्जन पे लेके आएंगे। डिस्पर्जन का वीडियो लेक्चर जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा। और पढ़ते रहिए, कोई डाउट हो आप उसको पूछते रहिए कमेंट सेक्शन में, और ऑप्टिकल फाइबर की क्विज भी चल रही है तो साथ में कनेक्टेड रहिए। तो हर अल्टरनेट डेज पे, 2 डेज के अल्टरनेट पे वीडियो लेक्चर आ रहा है क्विज का, तो प्लीज़ ज्वाइन करिए और करते रहिए उसको। थैंक यू।